सूबाई हुकूमत की पॉलिसी डिप्टी कमिश्नर डेरा आरिफुल्ला आवान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कुलाची पाड़कूर फरोवा और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर राजिंदा ने अपने अपने इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर कुलाची अजीज़ुल्ला जान ने कुलाची बाजार का दौरा करके मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया, ज़रूरियाती ज़िंदगी की दस्तयाबी, मेयार कीमतों और कोरोना सर्टिफिकेट्स का जायज़ा लिया और खिलाफवर्जी के मुर्तकिब दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर पाड़कूर तालिक सलीम ने टाइपडी अस्पताल और बुनियादी मरकज़ सेहत अब्दुल खैर का दौरा किया। उन्होंने इलाज मुआलजा के लिए आने वाले अफराद का हाल अहवाल लिया। इन मराकज़ सेहत में मुहैया की जाने वाली सहूलियात और अद्वियात के साथ साथ कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन से मुतल्लिक सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दराजिंदा इनाम अजीर ने नायब तहसीलदार दराजिंदा के हमरा शेख मेला की सिविल डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दराजिंदा का दौरा किया, जहां उन्होंने तदरीजी मरकज़ और डिस्पेंसरी के अमला और सकूरुल कॉलेज के तलबा की हाजिरी और बुनियादी सहूलियात का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रोदकोही मोहम्मद फसी इसहाक अब्बासी ने असिस्टेंट कमिश्नर परवा की इजाफी जिम्मेदारी निभाते हुए तहसील के मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स और डीजल एजेंसियों की सफाई सुथराई और ओगरा के मुकर्रर करदे रेट के हवाले से मुआयना किया और खिलाफवर्जी करने वाले पम्प मालकान पर भारी जुर्माना आयद किया। उनका कहना था कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ मुहैया करना दिल्ली इंतजामिया की अवलिन तरजीह है, इस ज़मन में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी हलकों ने इन कार्रवाइयों को सराहते हुए इसका दायराकार वसी करने और यह सिलसिला जारी रखने का मुतालबा किया।